हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ग्रैंडपा फॉर सेल। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू फाइंड इन अ शॉप दैट सेल्स एंटीक थिंग्स। ठीक है, सो एंटीक थिंग्स क्या होती है? एंटीक थिंग्स मतलब कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जो कि थोड़ी पुरानी हो जाए और वो थोड़ी अच्छी पोजिशन, अच्छी कंडीशन में रहे, तो उसको एंटीक बोलते हैं, राइट? तो हमारे मार्केट में काफ़ी जगह पे एंटीक शॉप्स होती हैं जो कि पुरानी पुरानी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, एंटीक मीन्स राजा महाराजा के टाइम पे चीज़ें जो जैसे बनावट की चीज़ें जो मिलती थी होती थी उस चीज़ों को जो है एंटीक चीज़ें बोलते हैं। सो हमें अगर हम एंटीक शॉप में जाएंगे तो हमें इस टाइप की चेयर मिलेगी, ना कि इस टाइप की। ओके, फिर एंटीक शॉप में हम जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, न कि ये, क्योंकि ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर आजकल सबके यहाँ पे होता है, जबकि टाइपराइटर बहुत ही रेयर लोगों के यहाँ होता है। फिर हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये ग्रामोफोन है, इसमें पहले म्यूज़िक बजा करता था, न कि ये मिलेगा क्योंकि ये म्यूज़िक सिस्टम आजकल सब जगह पे होता है। ओके, Is Lizzie ready to sell her grandpa for the huge amount of money that Mrs. Larchmont has offered? Let us read what happens during a sale. तो लिजी एक छोटी बच्ची रहती है और लार्चमोंट जो रहती है एक लड़ी रहती है जो कि लिजी के एंटीक शॉप में कुछ परचेस करने आती है, लेकिन वो क्या करती है, वो उसके ग्रैंडपा को खरीदने की बात करती है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि लीजी जो है ढेर सारे पैसे देकर क्या अपने ग्रैंडपा को वो बेच देती है, क्या होता है इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इस जो ये जो एक ड्रामा है, ये एक बेसिकली एक ड्रामा है, और ड्रामा जो है ये जो है इसको एज अ चैप्टर इसको इस बुक में रखा गया है। तो इससे ड्रामा में कौन कौन सा कैरेक्टर है, देखिए पहला कैरेक्टर है नरेटर जो कि स्टोरी बता रहा है, सेकंड है लिजी एक छोटी सी बच्ची, थर्ड है मिसेस लार्चमोंट, ठीक है, लार्चमोंट है एक लेडी है, फोर्थ कौन है कैरेक्टर ग्रैंडपा, और फाइव कौन है जिसल, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, वो एक डॉगी है। सो लेट गेट स्टार्ट। सो नरेटर जो है वो क्या बोलता है, एट ओल्ड मैन्स एंटीक लिजी डस्टेड द लैम्प द बुक्स द क्लॉक एंड द स्पाइंडली टेबल्स। She even dusted the blood spot on Grandpa's head as he snoozed on a city. मतलब जो है नरेटर बोल रहा है कि एक ओल्ड मैंस एंटीक, मतलब एक बूढ़े आदमी का एक एंटीक था जिसमें कि लेजी छोटी सी बच्ची है, वो क्या कर रही है, वो साफ कर रही है, डस्टेड कर रही है, वो मतलब झाड़ पोंछ रही है, क्या क्या, लैम्प्स द बुक्स द क्लॉक्स एंड द स्पाइंडली टेबल्स, ऐसे टेबल्स जो पतली सी होती है और बहुत लंबी होती है, ठीक है, उसको स्पाइंडली टेबल्स बोलते हैं। She even dusted the blood spot. Blood spot मतलब बालों का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कि बाल नहीं रहता है, मोस्टली बुजुर्ग लोगों का होता है ना सर पे कि बाल नहीं होते, तो वैसे उसको जो है बोलते हैं ब्लैड स्पॉट, ठीक है। तो वो अपने दादाजी का जो है वो बालों का उस वो पर्टिकुलर जो हिस्सा जो रहता है वो उसको भी वो साफ करती है, और उसके दादाजी क्या है, वो स्नूज्ड मतलब वो सोए रहते हैं, कहाँ पे, सिटी पे। सिटी मतलब सोफे जैसा ही छोटा सा होता है, उसको सिटी बोलते हैं, उस पर वो सो के जो है खर्राटे ले रहे थे। ग्रैंडपा
मेक्स स्नोरिंग नॉइज। तो जो है वो इतनी गहरी नींद में थे कि वो क्या कर रहे थे, वो खर्राटे ले रहे थे। नरेटर, द टाइनी बेल ओवर द डोर टिंकल्ड एज अ वुमेन ब्रेज्ड इन। तो जो है जो ये एंटीक शॉप रहता है वहाँ पे एक छोटी सी बेल लगी रहती है, तो वो क्या है, वो टिंकल मतलब वो खटखटाने की आवाज़ आती है। और एक जो वुमेन रहती है वो बहुत तेज़ी से जल्दी से अंदर घुसती है। हर पिंक स्टोल एंड सूट मैच द मिनिएचर पुडल इन हर आर्म्स। तो जो उसके पास जो पिंक स्टोल रहता है और उसका जो सूट वो पहनी रहती है वो किससे मैच करता है, उसका उसके हाथ में जो एक मिनिएचर रहता है, एक जानवर रहता है, मीन्स यहाँ पे एक डॉगी की बात हो रही है, वो अपने एक पेट को लिए रहती है। पुडल एक ब्रिड है, एक कुत्ते की एक प्रजाति है, तो वो एक मिनिएचर को लिए रहती है, एक मतलब एक कुत्ते के बच्चे को हाथ में ली रहती है। वो कौन से ब्रिड का होता है, वो पुडल ब्रिड का होता है। लिजी हैड नेवर सीन एनी वन विथ हेयर सो लॉन्ग। तो क्या है, लिजी जो है वो इतने लंबे लंबे बाल किसी के आज तक उसने कभी देखे नहीं थे। द वुमेन प्रीडेड एट लिजी थ्रू राइनस्टोन ग्लासेस। ठीक है, तो जो वो वुमन रहती है वो उसको मतलब अपने चश्मे के आड़ से जो है उसको देखती है। ठीक है, राइनस्टोन जो है एक बहुत ही महंगा स्टोन रहता है, उसका चश्मा रहता है, उसने पहना रहता है, उसके आड़ से उसको देखती है लिजी को। मिसेस लार्चमोंट, यू सीम्स क्वाइट यंग टू बी रनिंग सच एन एस्टेब्लिशमेंट। तो वो बोलती हैं कि तुम काफ़ी यंग लगती हो ऐसे दुकान की देख रेख करने के लिए। लिजी, आई एम वॉचिंग द स्टोर अनटिल माई मदर कम्स बैक। तो लिजी क्या बोलती हैं, मैं तब तक यहाँ पे दुकान की देखभाल कर रही हूँ जब तक कि मेरी मम्मी वापस नहीं आ जाती। मिसेस लार्चमोंट, आई एम मिसेस ब्रेडली लार्चमोंट द थर्ड एंड दिस इज जिजल, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पेट डॉग। तो वो अपना जो है इंट्रोडक्शन देती है कि वो कौन है, वो है ब्रेडली लार्चमोंट द थर्ड। ओके, और अपने जो पपी रहता है उसको पॉइंट आउट करके बोलती है कि ये कौन है, जिजल। जिजल भी यिप यिप करती है, मतलब वो कन्फर्म करे कि हाँ मैं जिजल हूँ। मिसेस लार्चमोंट, इफ यू डोंट माइंड आईड लाइक टू ब्राउज। तो जो लार्चमोंट रहती है, मिसेस लार्चमोंट, वो बोलती है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं क्या करना चाहती हूँ, ब्राउज करना चाहती हूँ। ब्राउज मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कभी भी दुकान में जाते हैं या मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हम लोग वहाँ की चीज़ों को देखते हैं ना, देखते हैं परखते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउज करना। तो वो वैसे ही बोलते हैं कि मैं यहाँ की चीज़ों को देखना और परखना चाहती हूँ। नरेटर, लिजी सर्टेनली डिड नॉट माइंड। लिजी जो नरेटर बोलते हैं कि लिजी जो थी वो ज़रूर वो क्यों माइंड करेगी, दैट्स ऑल एनी वन एवर डिड एट ओल्ड मैन एंटीक। तो कोई भी जब भी अगर उसके दुकान पे ओल्ड मैंस के एंटीक में आता है तो वो यही करेगा कि पहले चीज़ें देखेगा फिर तो खरीदेगा। मिसेस लार्चमोंट इंस्पेक्टेड ईच आइटम विद द ग्लव्ड हैंड। तो जो लार्चमोंट जो रहती है वो क्या करती है, चीज़ों को उठाती है, देखती है, और उसने हाथ में क्या पहना रखा था, एक ग्लव्स पहना रखा था। लार्चमोंट, आई विल टेक दिस एंड दिस एंड आई सिंपली कांट लीव विदाउट दिस। ओके, तो वो बोलती है मुझे मैं ये लूँगी, और बोलती है कि ओ मतलब मैं इसके अलावा तो मैं मतलब ज़िंदा ही नहीं रह सकती। मतलब कोई चीज़ अगर पसंद आ जाए इंसान को तो वो एक बोलने का तरीका होता है कि मतलब मुझे ये चीज़ इतनी पसंद आई है कि मतलब मैं इसको खरीदे बिना नहीं रह सकती। नरेटर, शी ग्लांस्ड डाउन एट द लुइस 16 सिटी। ठीक है, तो
उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? नीचे लुईस 16 की सिटी पे। लुईस 16 जो है फ्रांस के लास्ट किंग थे, तो उसकी एक सिटी थी। एंटीक में मैंने बताया कि ऐसी पुरानी चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं, तो ये जो सिटी थी, मैं पहले जो है थोड़ा सा सस्पेंस जो है मैं इसको यहाँ पे ओवर कर दूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रैंडपा सोए हुए हैं, और जो ये सिटी है ये किसकी है? ये लुईस 16 की सिटी है और उस पे क्या है? ग्रैंडपा सोए हुए हैं, ठीक है। और जो मिसेस लार्चमोंट रहती है, वो बोलती है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं इसको बिना खरीदे रह नहीं सकती। ओके लार्चमोंट, ओह माय स्टार्स, लुक एट दिस, आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन वन फॉर सेल, हाउ मच? ऐसे वो पूछती है, मतलब वो बोलती है ओह माय स्टार मीन्स बोलने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, सो दैट जैसे ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, तो ओ माय स्टार। ओके लुक एट दिस, इसको देखो तो, आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन वन फॉर सेल, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी भी कोई एक चीज सेल में देखा, ये कितने का है? सो स्टूडेंट जस्ट मार्क इट डाउन हेयर एंड रेस्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन।